बसमिल वरमल्ला आज की ये जो गुफ्तु है ये बहुत ही अनकनवेंशनल है और इससे पहले मैं अल्लाह ताला से एक दुआ करना चाहता हूँ कि या अल्लाह इसमें हम जो भी गुफ्तू करें उसमें अल्लाह हमें नीयत का अखलास दे और जो भी हम बात करें हम एहतियात करें कि उसमें वही बात जो हम कर रहे हैं हमारे दिल में भी वही बात है इस बात और इस डिस्कलेमर को एक्चुअली ऑन एयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बात बहुत अहम है और आपसे ये गुजारिश है कि आप इस पॉडकास्ट और इस गुफ्तु को मुकम्मल तौर पे देखिएगा मैं छोटा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर मेरे साथ जो साथी हैं मैं उनका तारुफ़ कराऊंगा। देखिए बैकग्राउंड ये है कि हमारे मुल्क के बारे में अगर हम ये कहा जाए कि क्या हमारा मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है किसी लाखों के मजमे में कहा जाए तो लाखों में से शायद ही कोई हाथ है जो खड़ा ना हो इन मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी हम ये समझते हैं कि उन लोगों को है जो हुकूमत चला रहे हैं लेकिन हम ये समझते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी हर एक शख़्स की है आज की ये गुफ्तु ज़िम्मेदारी के इदराक के लिए और उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए एक बहुत अहम क़दम है उसके तारफ़ के लिए ये गुफ्तु की जा रही है मेरे साथ जो गुफ्तु में शर्क हैं वो जनाब शाहिद लौन साहब हैं मैं कोशिश करूंगा कि गुफगू के, के दौरान जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनकी तारीफ या उनके वर्चूज़ वो कम से कम बयान करूं क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमने ये दुआ की है कि अल्लाह पाक इसमें नियत का खुलूस नसीब फरमा ज़रा सा नमूद वनुमाइश ज़रा सा भी कोई क्रेडिट लेने वाली बात हमारे दिल में आए अल्लाह पाक ना लेके आना शायद लॉन साहब के बारे में सिर्फ इतना बताता हूँ कि आपने अल्लाह वाला ट्रस्ट का नाम सुना होगा हमें यहाँ ये यह बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लाखों लोगों को खाने का इंतज़ाम अल्लाह कर रहा है इनके ज़रिए से शाहिद शाहिद साहब के ज़रिए से और इनकी टीम के ज़रिए से जो अल्लाह वाला ट्रस्ट के जरिए तमाम सिर्फ तारुफ के तौर पे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के बहुत से स्कूलों में बच्चों को फ़ूड सप्लाई की जा रही है इसके अलावा फोर्टिफाइड जो फ़्लोर है और जो एक प्रोसेस्ड फूड है जो बच्चों की नरिशमेंट के लिए ज़रूरत है औरतों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं मैं मैं उसकी तफसील में नहीं जाता अगर आप उसकी तफसील को जानना चाहते हैं तो अल्लाह वाला ट्रस्ट को आप गूगल कर लीजिए तो मेरे साथ एक मेहमान जो है वो शाहिद लोन साहब हैं दूसरे मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे बर और मेरे साथी और मेरे दोस्त इरफान मलिक साहब हैं इनका तारुफ भी सब लोगों को मौजूद है ख़ासतौर तो पर नौजवान तो उनको बहुत पसंद करते हैं वैसे इनकी एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि इंटरनेशनल जिसकी रिकग्नीशन है और प्रेजेंस है दुबई में भी है यूके में भी है और ये हेल्थ टेक में काम करते थे फिर जब हम हम इकट्ठे हुए तो हमने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है यानी इल्म की सूरत के अंदर इनको उसको दुनिया तक पहुंचाया जाए फिर बहुत ही छोटे से पीरियड स्पैन ऑफ पीरियड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री ऑफ द कॉस्ट इनसे सीखी अब अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से अपने करम से ये तोफ़ी दी है कि अल्लाह वाला ट्रस्ट जेवन सॉल्यूशंस, जेवन सोलूशन के बारे में आपको बा, मालूम है एक सॉफ्टवेयर हाउस है और मैं भी उसके साथ एज आ हेल्थ कंसल्टेंट उसके साथ अटैच हूँ और इसके जो सी ई हैं वो इरफान साहब हैं तो अल्लाह ताला ने दिल में डाला और एक प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट का इतना पोटेंशल है ये वो पाकिस्तान के आवाम की अल्लाह के हुक्म से एक तकदीर बदल सकता है वो इसलिए कि जितना भी काम चैरिटी का होता है वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रबल शूटिंग काम होता है जैसे भूखे हैं उनको खाना खिलाना बहुत ज़बरदस्त काम है जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े देना किसी कैदियों की मदद करना उनको जो बेचारे बेगुनाह हैं उनकी हेल्प करना ये सारे के सारे काम चैरिटी के बहुत ज़रूरी हैं इन सब कामों के साथ एक और बहुत ज़रूरी काम ये है कि हम मुल्क के अंदर बेरोज़गारी को ख़त्म करें हमारे मुल्क में साठ फ़ीसद नौजवान कुछ सेंसिस के मुताबिक तो साठ से भी ज़्यादा फ़ीसद नौजवान ऐसे हैं जिनकी उम्र पैंतीस साल से कम है दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसकी आबादी का साठ पैंसठ फीसद नौजवानों पर हो उसमें से कितने लोग बेरोज़गार हैं उतने उसमें कितने लोगों का पोटेंशियल मौजूद है कि वो उस पोटेंशल के ज़रिए से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं और साथ साथ पाकिस्तान के लिए नेक नामी कमा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक्सचैक्कर में इजाफा कर सकते हैं इस सिलसिले में स्किल सिखाने का एक काम है लेकिन एक उससे बड़ा काम हम तीनों जितने दोस्त बैठे हैं इस सिलसिले में हमारा हंड्रेड परसेंट कंसेंसिस है कि सिर्फ़ स्किल सीखाना नहीं सिर्फ काम में कॉम्पिटेंट करना नहीं पाकिस्तान की रेप्यूट को एक मुसलमान की रेप्यूट को पूरी दुनिया में लेके जाना कि जिस शख्स ने पाकिस्तान में रह कर ये प्रोडक्ट बनाई है इसलिए कि वो पाकिस्तानी है तो ये रिलायबल है इसलिए वो ट्रस्ट वर्दी है तो इस सिलसिले में हम एक प्रोजेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं मैं, मैं तो इसलिए प्लीज़ हो सकता है का लंबी लंबी वीडियोस देखना बड़ी मुश्किल होती है आप इसको पूरा देखिएगा क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से आपसे रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से आपके बच्चों के साथ रिलेटेड है पाकिस्तान के नौजवानों से रिलेटेड है तो मैं अब सबसे पहले गुजारिश करूँगा शाहिद साहब से कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाए बताइए और उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कि उसको हम किस तरीके से करेंगे वो हम इरफान भाई से पूछेंगे प्लीज़ आप डॉक्टर साहब बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आज इस पॉडकास्ट में आपने मुझे अपने साथ शामिल किया है अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है ये स्टार्ट हम फूड से हुए थे फूड से हम गए न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन से गए हम वाटर में वाटर से गए एजुकेशन में आ, तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं हमेशा से जहन में यही था कि ये जो हमारी यूथ है इसके लिए कुछ किया जाए जिसके लिए क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे तो मैं उस पर एक्सप्लोर करता रहता था कि उसे क्या किया जाए और बेसिकली जो मसला है वो ज़्यादातर ये है कि आईटी में जो आप जिन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उनकी सक्सेस रेशो बड़ी कम है ठीक है उनके इंटरव्यूज़ आ जाते हैं बट परसेंटेज इज़ वेरी लो तो असल बात ये थी कि मैं ये चाहता था कि एजुकेशन हो और साथ उनकी मॉरल जो है ट्रेनिंग हो करेक्टर की ट्रेनिंग हो और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो और वो बिज़नेस प्रोसेस के मुतल हो कि यानी जो बिज़नेस है वो किस तरह से चलता है सेल्स कैसे होती है कस्टमर सर्विस कैसे होती है और अपना कस्टमर रिटेन करने के लिए रिटेंशन कैसे होती है तो जब मैंने वो देखा तो फिर मेरी इरफान की जो है वीडियो इरफान साहब की वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ कंपैटिबल है और ये मेरे माइंडसेट के साथ चल रहे हैं क्योंकि ये साथ एक तो आम फहम जुबान में ये उनको एजुकेट कर रहे थे और दूसरा ये था कि ये उनको एथिक्स वो सिखा रहे थे जो हमें चाहिए हमारे मुल्क में इस वक्त फगदान मोरालिटी का है हमारे यहाँ कई बंदों के पास स्किल है लेकिन उसे बेच नहीं पाते और उसकी बेसिक वजह यह है कि उनकी कॉम्प्रीहशन बहुत वीक है असल मसला कॉम्प्रीहशन का है कि जो टोटल 360 साइकिल है बिज़नेस का ये है क्या ये चलता कैसे है ज़्यादातर लोग उन्हें स्किल दे देते हैं तो वो वो इसे कॉम्प्रीहड नहीं कर पाते तो वो जो कॉम्प्रीहशन का पार्ट है जब मैंने देखा कि ही इज़ वर्किंग ऑन दैट और आप करेक्टर बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं और ये जो है ये उसकी ऑपरेशनल जो जो प्रॉब्लम हम बच्चे क्रिएट करते हैं उस पर कर रहे हैं तो मैंने डिसाइड किया कि इनसे रबता किया जाए जब रहा हुआ तो मुझे पता चला कि वो बिल्कुल मैं सही था वो अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक थी और हमारे यहाँ फ़िलहाल अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसमें कि हमारा वेव लेंथ ना मिलती हो तो ये बड़ी अच्छी सिनर्जी है अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो इन ना एक नई राह खोलेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो, जो जोर है वो स्किल पर है तो ये यहाँ तक का सफ़र है और अभी हमने ये है कि जैमिन के साथ हमने एम साइन कर लिया है और बाकी डिटेल जो है वो इरफान बताएंगे कि प्रोजेक्ट आप किस तरह लेके चले जी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा इससे पहले कि मैं इरफान से बात करूं मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इन शज़ीज़ ट्रेनिंग और ग्रूमिंग को इंश्योर करेंगे उसकी जो टेक्निकल ये मैंने बीच में इसलिए बताया कि ये एक पॉइंट क्लियर हो जाए और अब मैं इरफान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसके जो पूरा एक स्केच है ब्लूप्रिंट है वो बताइए कि कैसे किसको हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा बच्चा होगा क्या फॉर्मेटिंग होगी कैसे हम उस बच्चे को जो हमने एक दावा किया है या दुआ की है दावा तो नहीं कहना चाहिए दुआ की है कि एक बच्चे को लेकर हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे उसको उसके किरदार की वो जो टेक के सिलसिले में प्रोड्यूस करेगा वो पूरी दुनिया के लिए टेक्निकली एक्सेप्टेबल होगा विद प्लेजर बल्कि वो क्रेडिबल होगा और रिलायबल होगा तो प्लीज़ वो ज़रा आप तफसील से बताइए जी थैंक यू अलहमदिल्ला आपने बड़ी अच्छी दुआ से शुरू किया और ये दुआ हम हर रोज़ मांगते हैं देखिए पाकिस्तान में आ, मैंने एक सफ़र किया स्कूल uh, लेवल से गुजरता हुआ इंडस्ट्री में फ्रींसिंग में आईटी में फ्रीनैसिंग है एंटरप्रेन्योरशिप है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो सारा देखा है समझा इंटरनेशनल ट्रैवल किया एक गैप आ रहा है. वो गैप ये है कि ये सबको पता है कि हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो कंपेटेबल नहीं है इंडस्ट्री से इस पर किसी को डिसग्रीमेंट uh, किसी का है ही नहीं इसको फुलफिल करने के लिए शॉर्ट कोर्सेज का एक ट्रेंड चला शॉर्ट कोर्सेज शुरू हुए अब वो शॉर्ट कोर्सेज़ जो देखे मैंने कि बच्चा इतने एक्सपेंसिव शॉर्ट कोर्सेज़ दो दो लाख तीन तीन लाख चार चार लाख के शॉर्ट कोर्सेज एक्सैचूरेटेड प्रोमिस कर कर दिए जाते हैं कोई बच्चा जेवर बेचेगा कोई बकरी बेचेगा भैंस बेचेगा लोन लेगा और ख्वाब देखेगा कि छः महीने बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी वो वो सब कुछ दाव पे लगा के अपने माँ बाप की उम्मीदों को हाई करके वो कोर्स लेता है फिर समझ में आता है कि ये तो कोर्स उसके लिए था ही नहीं उसकी तो प्रिटीज नहीं पूछे गए उससे या उसने अगर किया तो ये उसकी पर्सनैलिटी से कंपेटेबल नहीं था फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बिजनेस डिवेलपमेंट में अच्छा फिट हो सकता है उसको एस का कोर्स करवा दिया गया जो एस में अच्छा फिट हो सकता है उसको डिज़ाइनिंग का कोर्स करा दिया गया जो अच्छा अस्थेटिक्स जिसकी अच्छी हैं उसको पाइथन में डाल दिया गया तो ये ऐसे चल रहा है अब एक और गैप हमारे जो आ, आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बहरान वो करैक्टर गैप अब होता क्या है कि छः महीने में आप बच्चे का करैक्टर बिल्ड कोर्स तो करा दिया स्किल तो आ गया लेकिन उसको बात करना नहीं आती उसको क्लाइंट्स के प्री निगोशिएशन नहीं आती निगोशिएशन नहीं आती दस रुपए का स्किल सौ रुपए में बेचना नहीं आता दस रुपए का स्किल दो रुपए में बेचेगा ओवरकमिट कर जाएगा एक्सपेक्टेशन मैनेज नहीं कर पाएगा फिर डिलीवरी रियलिस्टिक नहीं होगी सो मेनी एरर्स इन शॉर्ट वो छह महीने का कोर्स अगर अच्छा हो भी गया तो ब्लैक ऑफ अदर स्किल वो सर्वाइव नहीं कर पाता उसको पहला स्टेप नहीं लिया जाता पहला स्टेप क्या है ब्रांड कैसे बनाना है ख़ुद को ब्रांड कैसे बनाना है कंपनी को ब्रांड कैसे करना है सोशल मीडिया लेवरेज कैसे करना है पहला क्लाइंट कैसे लाना है फिर आप स्केल कैसे करना है फिर उसको कन्वर्ट कैसे करना है कंपनी में इस वक्त पाकिस्तान का जो कौमी सवाल है ना मैं आपको बताऊं, सर क्लाइंट नहीं आ रहे ऑर्डर नहीं आ रहे क्लाइंट नहीं मिल रहे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे तो वो कोर्स जब यूटिलाइज ही नहीं होता कई कई साल तो वो डिमेनिश हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है तो इससे क्या होता है सब कुछ तो पैसे लगा बैठे उम्मीदें भी हाई हैं कामयाब भी नहीं हुए तो फिर कहाँ जाएगा बच्चा क्राइम में जाएगा फ्रस्ट्रेट होगा मजदूरी करेगा वो तबाही की तरफ जाएगा ना तो यहाँ पे जाके सारा हो रहा था हमने शुरू किया होप टू तो स्किल होप टू तो स्किल में जब हमने रिमोट एजुकेशन देना शुरू की तो फिर चंद चीज़ें और मैंने सीखी मैं पहले पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हमने बच्चे को ए का कोर्स तो दे दिया लाइव खड़े होकर पढ़ा दिया कोई भी दे दिया असाइनमेंट भी दे दी थोड़ी हेल्प भी दे दी लेकिन फिर भी हमने देखा कि अब उसके पास जैसे आपकी एक वीडियो थी ना लर्न हाउ टू लर्न सीखना कैसे ये वाला आल्टी मिसिंग है हाँ यार ये तो अब तो बच्चों को मैंटरिंग भी चाहिए अगर हम जितना मर्जी दिल से पढ़ा लें और मैंटरिंग नहीं हो रही तो अब मैंटरिंग की तरफ जब आते हैं तो एक चैलेंज है हम आज अनाउंस करते हैं कि यार हम लोग छः महीने तक इन हाउस आपको फ्री में मैंटरशिप देंगे तो सर मेरे ख्याल में कि हम दो, दो, दो सौ कराल के ज़मीन पर भी बंदे पूरे नहीं कर पाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि जो लोग प्री रिक्वेड फुलफिल नहीं करते वो भी आएंगे फ्री है मैंटरशिप मिल रही है सो so अब प्रोग्राम की तरफ मैं आता हूं कि हमने किया क्या इस गैप को फिल कैसे किया स्टेप नंबर वन जो बच्चे तक एजुकेशन हो वो लेटेस्ट हो इमर्जिंग हो फ्रॉम द प्रैक्टिशनर्स ये मैं वर्ड बार बार यूज करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में कि हमें यूनिवर्सिटीज को एक ई मेल आती है हायर अथॉरिटी से कि यार ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाओ ये वाली ये वाला कोर्स पढ़ाओ फिर वो जो इंस्ट्रक्टर जिसका उस कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता वो रात को यूट्यूब से सीख के प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके ए को यूज करके लेक्चर जनरेट करके सुबह आके बच्चों के दिमाग में ठूस देता है पार्टन में लैंग्वेज बट दिस इज वाट इज हैपनिंग तो वो प्रैक्टिस तो है ही नहीं मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप सर्जन नहीं तो आप किसी को सर्जन नहीं बना सकते तो हमने प्रैक्टिशनर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लोगों को उठाया अपने सॉफ्टवेयर हाउस से लोगों को किया अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस से लाऊंगा उनसे हमने कोर्स बनाया जब हमने कोर्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं प्रैक्टिशनर से अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड ये हमने सबको देना है मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा अगर कहीं एक लाख रुपए का तो शायद हमारा चार सौ रुपये का होगा लेकिन इससे हमने एक ट्रस्ट की कैंपेन को भी सपोर्ट करना है कि अगर हम अल्लाह वाला ट्रस्ट अगर एक लाख बहत्तर हज़ार सत्तर हज़ार बच्चे को खाना खिला रहा है फॉर एग्जाम्पल तो हम चाहते हैं कि यार दस लाख को हम खाना खिलाएं क्यों कल को वही तो घूम के हमारे स्टूडेंट बनेंगे जब उनकी नरिशमेंट होगी जब उनको अच्छी डाइट मिलेगी कल को वही हमारे स्टूडेंट बनेंगे तो हमने एक सर्टेन सा चंक उसको देना है ये हमारा प्लान है अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया अब जब हम कोर्सेज दे देंगे ये सबके लिए कोई भी आकर मैं, मैं आप थो थो करूं। ये होगा, जी और पाकिस्तान का हर बच्चा

हमारा इंटरव्यूज होंगे उसमें से हमने कुछ बच्चे निकालने हैं अब ये मेहनती भी होंगे मुस्तकिल मिजाज भी होंगे फोकस भी होंगे अमीर गरीब में हमें नहीं फ़र्क पड़ता बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता काला गोरा हमें फ़र्क नहीं पड़ता के पी के से आया पंजाब से आया जहाँ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमने मेरिट में बेचे लेने हैं उनको हमने एक बिल्डिंग बना रहे हैं अल्लाह वाला ट्रस्ट से हम एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं उन बच्चों को उस इंक्यूबेशन सेंटर में बुलाएंगे नो चार्जेस

सपोर्टेड बाय अल्लाह वाला ट्रस्ट क्योंकि मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा था वो बच्चे को सपोर्ट दे रही होगी उनके सवालत के जवाब दे रही होगी उनके असाइनमेंट्स होंगी क्विज होगा बिल्कुल एक इंटरनेशनल रिमोट एजुकेशन को हम बना के चलेंगे पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके बाद जब सारे बच्चे होंगे तो उनका एक ग्रेडिंग सिस्टम बनेगा हमारा मेरिट बहुत सख्त होगा मैं एडवांस में बता रहा हूँ और हमने बच्चों को फल लाना है उसके बाद जब हम बच्चों को ले आएंगे जो बिल्कुल जिन्होंने बहुत मेहनत की अब हम उनके ऊपर काम करेंगे अब हो सकता है यहां पे एक्चुअल काम शुरू होगा हमने आइडेंटिफाई करना है एक बच्चे से कि भाई आ, आपने बिजनेस में फिट होना है आपने एस में फिट होना है आपने पाइथन में फिट होना है आपने पीएमशिप में फिट होना है आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फिट होना है हम असेस करेंगे उसको हेल्प आउट करेंगे टू आइडेंटिफाई दीच स्टेप वन जब वो अपनी नीच आइडेंटिफाई कर लेगा अब उसका दूसरा सवाल आएगा सर ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने पाइथन डिवेल है अब बताएं पहले क्या करना है फिर क्लाइंट तक कैसे पहुंचना है फिर हमने वो रोड मैप उसको प्रोवाइड करना है रोड मैप देने के बाद उसको हेल्प आउट करना है क्लाइंट लाने में उसको हेल्प आउट करना है अगर वो जॉब में जाना चाहता है उसको हेल्प आउट करना है अगर उसका कोई अपना आइडिया और वो आइडिया हमें पिच करता है और हमारी बोर्ड को वो आइडिया अच्छा लगता है वो विल फेसिलिटेट हिम फाइनेंशियली टू तो वर्क ऑन हिज ओन आइडियाज एज एन ऑनर ठीक है तो अपने उस आईडियो पे काम करेगा एक बच्चा जो चाहता है कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है दिस इज वॉट आई डेवलप आई वॉन्ट टू गो मैंने वहां जाके पढ़ना है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विल हेल्प हिम गो आउट इम इस्टिश हमसे इंडस्ट्री में हमारा नेटवर्क है कनेक्शन है हम उन रिसोर्सिस को इंडस्ट्री में प्लेस करेंगे अपने पास जेवन में हायर करेंगे खुद रिमोट टास्क देंगे गोल ये कि अल्लाह करे अल्लाह हमारा हमसर हम हो कि हम जितने बच्चे लेके आ रहे हैं हम जा रहे हैं सौ फीसद ही खब्जा खब्जे मतलब लग जाए बस से रोजगार हो जाए इन शॉर्ट स्किल दे के उनको लावारस नहीं छोड़ेंगे फिर वो हमारे एल्यूमिनाइज बनेंगे कल को वो हमारे ही साथ ट्रेनर्स बनेंगे कल को फिर वो बीज जो हम बो रहे हैं कल को वो दरख्त बनेंगे साया देंगे मतलब कल को वो हमारे साथ मिलकर आगे भी चलाएंगे अगर वो अपने इराक़ों में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमने सौ बच्चे लिए दस बच्चे कहते हैं कि आई एम स्टैंडिंग बाय यू अगर वो अपने इलाके में एक वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं वी हेल्प देम आउट टू सेट अप फ्यू यू नो रूम्स एंड एवरीथिंग विच विल बी कनेक्टेड विद द आई टी पार्क मेन इनक्यूबेशन सेंटर तो एक चेन बनेगी पाकिस्तान के अंदर और ये एक्सपोनशियल इफेक्ट होगा तो वो जो ख्वाब है ना कि एक, यार स्किल तो है उसके बाद क्या करना है एक अच्छा आदमी एंड थ्रू आउट जो हम आपके रिक्वेस्ट के रहे, जो आपकी मेहरबानी है मैं आपको बता दूं कि टेक के साथ साथ सॉफ्ट स्किल डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे मा, ग्रोथ माइंड सेट पर और हर तरह के सॉफ्ट स्किल तो इसलिए हम आपसे गुजारिश किए कि आप आ जाएँ ताकि दोनों तरफ से एक अच्छा प्रोडक्टिव मुसलमान को हम निकालें और हम देखेंगे दुनिया में जाके वो हम नाम रोशन करें दिस इज़ द एजेंडा इट यही इनका विजन था देर वॉज अ सर्टन थिंग जो हमारे पास थी कुछ हमारे पास नहीं थी तो अल्लाह ने मिला दिया वो एक वेव लै मैच हो गई आज हम यहाँ बैठे हैं इनमें करके और प्लानिंग कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया तो मैं समराइज़ इसको करना चाहता हूँ पता नहीं अब ये बात शाह साहब इस बात को कैसा लें आ, मुझे आज शाह साहब ने यह बताया कि अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं वो किसी के तो जब अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी तो इन इन्होंने और इनकी अहलिया ने जो कि डॉक्टर हैं ये दिल में अपने एक ठाना कि फिर पूरे पाकिस्तान के बच्चे मेरे बच्चे हैं और ये मैंने आज उनसे बहुत तफसील से पूछा कि कैसे शुरू हुआ तो अपनी कहानी सुनाते हुए ये बात बहुत टचिंग लगी और मैं आपको दिल से जानता हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आँखों को गीला होने से रोका मैं एक्सपोज नहीं होना करना चाहता था तो मैं अपनी आँखों को गीला होने से रोक नहीं रोक मैंने बड़ी मुश्किल से रोका कि इनको अल्लाह ने ये एक झर्फ़ दिया एक एक अल्लाह ने तोफ़ी दी देखें किसी बंदे के अपने बस में क्या होता है तो अल्लाह ने इनको उन्होंने बताया कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ और हम मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए हम सब के लिए अल्लाह ने अल्लाह वाला ट्रस्ट को एक वसीला बनाया और ये कर अल्लाह की ज़ात रही है लेकिन वो चैनल होते हैं ना जैसे टेंकी से पानी आ रहा होता है टूटी से आ रहा होता है टूटी कहती है मेरे मुरे में से पानी निकल रहा है तो वो टन तो पीछे से अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तोफ़ी से तो लिहाज़ा ये अब मैं आपको समरी ये बताता हूँ कि कुछ काम हम कुछ कर रहे थे अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की और अल्लाह वाला ट्रस्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इसका ना सिर्फ असल में हमें अल्लाह वाला ट्रस्ट से तो अब तो पार्ट हैं हम सारे इकट्ठे एक टीम फाइनेंस से ज़्यादा जो अल्लाह वाला ट्रस्ट के पीछे एक जज्बा है जो अल्लाह वाला ट्रस्ट के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है जो एक इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे ख़्याल में जो पैसे ये इसमें लगाएंगे उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ इनका जज्बा है इनकी मोहब्बत है इनकी ये फीलिंग है कि वो जो एक किसी बुरे वाला में एक बच्चा बैठा हुआ है तो वो शायद साहब का बेटा है वो जावेद इकबाल का बेटा है वो इरफान का भाई है छोटा तो ये ये वाली बात जो है ना ये इनसे हम, हम हम सीखेंगे और इनसे हम इन लेंगे तो अल्लाह वाला ट्रस्ट का ये रोल होगा कि ये अपनी वो एक्सपर्टीज़ उसको इसके अंदर 100 परसेंट इन करेंगे इनकी बहुत बड़ी टीम है इरफान जो है इसको सिखाने के लिए जो पूरी टीम है जो पीछे एक बैकग्राउंड है और अल्लाह की मेहरबानी से क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई हुई है होप टू स्किल की वजह से और मैं जो हूँ बिल्कुल हम्बल कैपेसिटी में बहुत ही सबसे यानी इस सारे हरारकी में कम कंट्रीब्यूशन uh, के हिसाब से मैं ये कोशिश करूँगा कि जो इतने अरसे से हम शोर मचा रहे हैं कि हमारा बहरान किरदार का बहरान है तो हम अपने इन बच्चों को साथ रह कर और उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल साबित हो करके और उनको ना हम ये बता सकें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है तो वो ईमानदारी वो दयानतदारी और वो सारी के और इन सब के पीछे जो क़ुत मुहर्रका है वो रज़ाएलाई है जो क़त मुहर्रका पीछे से जिसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं वो वो होगा तो ये प्रोग्राम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है मैं आखिर में दो दो कमेंट्स दोनों दोस्तों के लूँगा इन ये जल्द होने वाला है इस सिलसिले में मैं लाहौर आज आया था बिल्डिंग्स वगैरह और जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पर टीमें मुसलसल काम कर रही हैं इसके सिलसिले में जो गैजटरी चाहिए जो इसके सिलसिले में इंफ्रा जो सारा होमवर्क करना है जो पेपर वर्क है वो हो रहा है और हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे कि कब और एक मेरा रफ़ एस्टीमेट है डेढ़ से दो लाख बच्चे बहुत आराम से इनिशियल कोर्स में हो जाएंगे तो आप इस बात पे तैयार रहिए आपका, आपका बच्चा जी ज्यादा आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा है इंजीनियर बन रहा है आपका बच्चा कहीं क्लर्क है आपका बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है कॉलेज में पढ़ रहा है कम से कम पंद्रह साल से कम ज्यादा उम्र के अठारह साल अभी एज क्योंकि कोर्स ऐसे हैं जो बच्चे को मैट्रिक लेवल पे भी फैसिलिटेट करेंगे इंटर लेवल हम इसकी जो इसकी जो भी क्राइटेरिया है वो पहले अनाउंस करेंगे तो आप अपने बच्चों को अभी से इसके लिए जहनी तौर पर तैयार कर लीजिए बहुत जल्दी दो तीन लाख लोगों को हम इनरोल करेंगे उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि उसमें से जो लोग पिक नहीं हो सकेंगे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्किल्ड होंगे हो कि हो वो अपने ऑन देयर ओन भी कुछ ना कुछ करता चलो इसमें की बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने तो टॉप टॉपर्स पिक किए क्योंकि उन टॉपर्स को जो नॉलेज दी जा रही होगी वो सबके लिए होगी mm. फर्क सिर्फ इतना होगा एक तरफ फिजिकल स्पेट की स्पेस की लिमिटेशन है mm. लेकिन जो हम उस फिजिकल स्पेस में बच्चे को दे रहे होंगे उस पर भी आप सबका हक है आ, ऐसा नहीं होगा कि एक बंद कमरे में बैठ के हम उसको कुछ सिखा रहे हैं mm. वो हमारे चैनल्स पे आएगा वो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे उसके डॉक्यूमेंट बने हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमारे एलएमएस पे अपलोड हुआ करेंगे उन बच्चों किन ट्रैक से वो गुजरे हैं क्या सिखाया गया वो सब तक पहुंचेगा ये भी तो हो सकता है ना कि हम लाहौर में हैं लाहौर से स्टार्ट कर रहे हैं कोई बच्चा ना आ सकता हो तो वो ये कभी मत सोचेगा कि ये हम तक नहीं पहुंचेगा आपके पास फेयर चांसेस होंगे अपने आप को बनाने के और ये अमानत होगा आपके पास मैं आ, ये लास्ट बात है मैं शाह साहब के पास चाहें कि जब शाह साहब कि मेरी डिस्कशन हुई शाह साहब चले गए मैं अपनी टीम के साथ बैठा था तो मैंने एक वर्ड अपनी टीम से कहा खुद से कहा कि ये हमारे पास अमाना था सिमिलरली जब हम डिलीवर कर रहे हो और आप लोग पढ़ रहे हो तो याद रखना ये नॉलेज फिर आपके पास अमाना था और इसका मानत का ये मतलब नहीं है कि आप खुद कुछ नहीं बने जैसे सर ने कहा था माना था चलो आगे वाले को सिखा देते हैं अब मानत इन सेंस के फिर दिल लगा के पढ़ना है और एक्चुअली कुछ बनना है और कल को वापस करना है कम्युनिटी को कम्युनिटी के साथ शेयर करना है ये अमानत के बात मैं बात कर रहा हूँ शायद सर मैं आखिर में आपसे गुजारिश करूँगा इस गुतु को आप ख़त्म कीजिए और कंक्लूड uh, कीजिए और uh, कोई बात जो रह गई हो तो प्लीज़ उसमें बताइए पहले तो यह है कि सब लोग जो भी देख रहे हैं पॉडकास्ट वो हमारी कामयाबी के लिए दुआ करें और इसमें ऐड ये करूँगा कि क्योंकि मैं बिजनेसमैन मैन हूँ और मेरा टेक्नोलॉजी का बिज़नेस था है अभी भी तो हम फाइनेंशली भी पार्टिसिपेट करेंगे और वैसे भी पार्टिसिपेट करेंगे और हम क्योंकि विजन शेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट भी करेंगे तो जो टारगेट है वो सिर्फ ऊपर की वो जो हमारे पास टॉप पोजीशन के बच्चे नहीं हैं अगर हमारी इनक्यूबेशन का एक्सपीरियंस जो है ये ठीक चला जाता है और जो हमने टारगेट्स रखे हम अचीव कर लेते हैं तो फिर इसमें हम इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस वजह से वो बच्चे जो टॉप पे नहीं आए और उससे नीचे वाले पर हैं उससे उनकी कैटेगरी थोड़ी सी नीचे आई है मार्क्स में तो उनको भी हम हो सकता है अकोमोडेट कर जाएं जिसकी कि मेरी अभी इनसे बात हो रही है कि जो पहले टॉप क्लास बच्चे हैं वो निकाल कर और फिर उनको भी देखा जा सके फिर ये कॉन्टीन्यूस लेवल पर हो जाएगा जिस तरह उन्होंने कहा कि नेटवर्क बन जाएगा इन शाला त तो अभी तो होप्स बड़ी हाई है और कमिटमेंट भी बड़ी ही स्ट्रांग है और मुझे बड़ी अल्लाह के घर उम्मीद है कि इन शाह हम इसे बहुत सक्सेसफुल करेंगे इन शह आने वाले टाइम मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड कर दूँ क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीज़ें पेपर पे ला रहे हैं ये जो बच्चे टॉप पर क्वालिफाई नहीं करेंगे या हो सकता है कुछ बच्चा नीचे रह जाए दे विल बिकम द पार्ट ऑफ आर फनल वह हमारे नेटवर्क का हिस्सा होंगे जिसको कल को हमने ग्रूम करके रिकमेंड करना है इंटरनेशनल कंपनीज को लोकल कंपनीज़ को जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे हम आउटसोर्स करेंगे तो सबसे पहले वो उस कम्युनिटी में आउटसोर्स होगा नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो सबसे पहले उस कम्युनिटी में आएंगे अगर आज कुछ नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा तो हम एक कम्युनिटी बना रहे होंगे तो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी वो भी एक अचीवमेंट होगा इनशाला इनशाला बहुत बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल ये बात बड़ा अच्छा किया आपने देखें मैं ये बताना मैंने जान के आई वॉज़ अ लिटल माइज़र इन इंट्रोड्यूसिंग शाहिद साहब और शाहिद साहब का बैकग्राउंड जो है वो हार्डवेयर के बिजनेस का बैकग्राउंड है और टेक के एक्सपर्ट का इनका बैकग्राउंड है तो इसलिए जो शाहिद साहब के जो तजुर्बे की नीश है वो एक असेंशियल कॉम्पोनेंट है हमारे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए और उस मॉड्यूल को तो एक्चुअली हमने सीखना ही शाहिद साहब से है तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये हो सकता है आपको ये खुश्क बातें लगी हों आपने इनको सीखा मैं आपसे बहुत दर्द मंदी के साथ ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारी ये दुआ कीजिएगा और जो बात मैंने पहले कही थी कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी नियतों को संभाल सकें नियतों के अंदर किसी किस्म की कोई रिया कोई दिखावा इसमें ना आए आप दुआओं में याद रखिएगा और अब आप मुंतर रहिएगा इन शाला बहुत जल्दी हम इन अनाउंसमेंट करेंगे इस कोर्स के स्टार्ट करने की बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू